तो ये समाज का दबाव होगा और मुझे दहेज शायद ना मिले, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चक्कर में वो लोग लड़के का बायोडाटा ना देते, लड़की का बायोडाटा देते। इसमें समाज को हमें जागरूकता करना होगा, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, लोगों को समझाना होगा कि लड़की ही आपकी बिटिया ही आपका मेरा दहेज है और आप शादी कीजिए। जहाँ पे दहेज का आता है वहाँ कहीं ना कहीं दिल में नफरत जरूर होता है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप परिचय सम्मेलन करवा रहे हैं तो अब आगे आपको ये रेशियो भी बढ़ाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जैसे मंच सेवा के माध्यम से पता चला है कि लड़का की संख्या कम है, तो इस पर हम लोग चिंतन करेंगे, बैठक करेंगे, समाज के बीच में जाएंगे और बातें रखेंगे कि आपके पास जो लड़के हैं उनका भी बायोडाटा दीजिए। जब भी हम लड़के को 70 और 30 में तो बहुत फ़र्क है, 70% लड़की को हम 30% लड़के में कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हमें कम से कम 50-50 तो चाहिए। आपके पास लड़का है तो लड़के का बायोडाटा दीजिए, हम उनसे यही कहेंगे कि आपके पास लड़की का बायोडाटा आपने दिया है, आपके घर में कोई लड़का है तो लड़के का भी बायोडाटा दीजिए, जिससे हमें आप समाज में एक संतुलन बना सकें। 15वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन का जो निमंत्रण मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से श्री संतोष जी, श्री रविंद्र कुमार जी जो दिल्ली पुलिस में सीनियर इंस्पेक्टर हैं, उनके माध्यम से मुझे ये सूचनाएं समय समय पर मिलती रहती हैं। इन्हीं लोगों के विचारधारा से प्रेरित होकर के मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने आया हूँ। मेरे यहाँ कोई विवाह जो कि बेटी बेटियाँ नहीं है, मैं सिर्फ इसमें भागीदारी निभाने आया हूँ और प्रेरणा लेने के लिए आया हूँ कि आप लोग इतना बढ़िया ये कार्यक्रम करा रहे हैं। ये श्री रविंद्र जी इसके पथ प्रदर्शक हैं और जो भी यहाँ की इनकी टीम है ये सारे लोग इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। मुझे तो लगा आज देखने से कि इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है और दहेज रूपी जो दानों की बात आप लोग कर रहे हैं, ये इसका निश्चित रूप से इसका खात्मा होगा और धीरे 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 समाप्त हो जाएगा और सही जोड़े मिलने के का एक सही मंच है ये। ये थे हमारे अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा के कुछ संचालक, जिन्होंने बताया कि दहेज रूपी जो दानव है इसको खास करके ये लोग मिटाने की कोशिश करेंगे अपने मंच के माध्यम से। जी, मैं समीना अख्तर, टाइम्स लाइव इंडिया के लिए दिल्ली से।